रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टैटिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की चूज द करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट ए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ डैश सेट, सबसेट, नल सेट या इनफाइनाइट सेट। तो ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो ये सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो ये ऑप्शन 1 को टिक कर लें, सेट। बी है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय। देखिए, एम्प्टी सेट को डिनोट करने के दो ही तरीके कार है, एक खाली ब्रैकेट लगा लें कर ली, या आप इस तरह एक गोल दायरा लगा के तो उसके ऊपर क्रॉस लगा लें, तो ये एम्प्टी सेट की निशानी है। इसका ऑप्शन 2 जो है वो आंसर है। सी है, अ सेट दैट कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर यानी तादाद जो हो एलिमेंट्स की वो महदूद हो, तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं। जिसमें अनलिमिटेड हो उसको इनफाइनाइट कहते हैं, और एम्प्टी सेट हम उसको कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। डी है, इफ पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू। अगर पी जो है वो क्यू का सबसेट है, देन क्यू इज, तो फिर क्यू पी का क्या होगा, वो सुपरसेट होगा। याद रखना, छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होता है, जबकि बड़ा सेट छोटे सेट का सुपरसेट होता है। इसलिए इसकी ऑप्शन 3 को आपने टिक कर देना है। पार्ट ई है, इक्विवेलेंट सेट कंटेन्स डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं उसमें एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो बराबर होनी चाहिए, तो ये इक्वल को आपने टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर 2 को। पार्ट एफ है, एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। आपने याद रखना है हर सेट अपना सबसेट होता है, इसलिए ऑप्शन 2 को आप निशान लगा दे। विच सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इनमें से कौन सा सेट अपना सबसेट लाजमी होगा, तो आपने याद रखना है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसलिए जैसे हमने पार्ट एफ में कहा कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो जो एम्प्टी सेट है वो लाजमन सी बात है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका तो वो अपना खुद का सबसेट होगा। पार्ट एच है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल की दो शराइत है कि एक उसमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, और दूसरा ये कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो आप चारों ऑप्शंस को चेक कर ले, इसमें ऑप्शन 3 जो है ए सी बी और सी ए बी, इसमें तीन तीन एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए ऑप्शन 3 को आपने निशान लगा लेना है। पार्ट आई है, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एम इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 इज। कार्डिनैलिटी से मुराद होता है कि किसी सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद, तो इसमें काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन जो है वो 4 को आपने टिक कर लेना है, जो कि 5 है। जे है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल। अगर कोई एलिमेंट्स एक सेट का हिस्सा है तो उसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये एम्प्टी का है, ये बिलोंग करने का है एलिमेंट ऑफ ए सेट, तो ये बिलोंग का जो है निशान, ये आपने इसको टिक कर देना है, ऑप्शन 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग। तो ये सारे नीचे सेट्स की डेफिनेशन आपको चैप्टर के अंदर मौजूद मिल जाएगी, आपने वहां से इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेल डिफाइंड। इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का आपने सेट लिखना है, तो ये वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ एक्सपेंसिव कार्स, क्योंकि देखिए इसमें गाड़ियों की एक खसूसियत आ गई है, एक खूबी बता दी गई है कि महंगी गाड़ियां, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो है ये हम लोग को वेल डिफाइंड इसलिए है कि इसमें हमें ये क्लियर है कि इसमें हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, ऐसे नंबर लिखने जो कि 8 पे डिवाइड हो जाएं, तो ये भी वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए जो है उसमें लिखा सेट ऑफ वोवल्स, तो आप उसके एलिमेंट्स लिख लें ए ई आई ओ और यू। पार्ट बी है, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, तो रेनबो में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेड, इंडिगो, वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। पार्ट सी है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक ईयर, पहले 6 माह इस्लामी महीने के, तो ये हम लोगों ने लिख लेने हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउस सानी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट दी कार्डिनलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट्स. आपने कार्डिनलिटी लिखने, कार्डिनलिटी से मुराद होता है कि एक सेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद. इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर ए है, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 विच आर इवन. की कार्डिनलिटी जीरो होगी क्योंकि ऑड नंबर है 45, तो इसके कोई भी फैक्टर इवन नहीं होगा. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, तो 30 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको काउंट करने पड़ेंगे. अगर हम प्राइम नंबर्स लिख लें तो वो हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. तो ये बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो ये 10 इसकी कार्डिनैलिटी आ जाएगी क्योंकि सेट में 10 एलिमेंट्स होंगे. सी पार्ट है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 4. ऑड नंबर जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए, तो इस तरह का कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा जो कि इवन नंबर पे डिवाइड हो, तो इसकी कार्डिनलिटी भी जीरो होगी. क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर पी इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड सो ऑन, क्यू इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. पार्ट ए है, 5 बिलोंग्स टू पी. तो क्या पी में 5 है? नहीं, तो आप इसको फॉल्स कर दें. 20 बिलोंग्स टू क्यू. क्या 20 जो है वो क्यू को बिलोंग करता है? तो ये ट्रू है. पार्ट सी है, 30 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू. क्या 30 जो है वो क्यू को बिलोंग नहीं करेगा? तो फॉल्स है. 50 बिलोंग्स टू पी. 50 जो है वो पी को बिलोंग करेगा क्योंकि 10, 20, 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50 जरूर आएगा, तो ये ट्रू है. 60 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू. क्यू सेट में 5 का टेबल लिखा हुआ है, तो 60 जो है वो क्यू में पाया जाएगा, तो ये फॉल्स है. पार्ट एफ है, 0 बिलोंग्स टू क्यू. क्या 0 जो है वो क्यू में पाया जा रहा है? ये भी फॉल्स है, 0 क्यू में नहीं पाया जा रहा. क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. आपने नीचे दिए गए सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. पार्ट ए है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9. 9 से छोटे ऑड नंबर वो कौन से हैं? 1, 3, 5, 7. तो आपने लेस देन 9 लिखना है, तो ये मैंने आगे लिख दिए हैं. द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच डिवाइड 12. वो नंबर जो 12 को तकसीम कर देते हैं, तो वो कौन कौन से? एक 1 है, एक 2, एक 3, एक 4, एक 6 और एक 12 खुद. द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स. आपने मैथमेटिक्स में मौजूद जो लेटर्स है उसका सेट लिखना है, तो वो लिख देते हैं सेट की शक्ल में. एम ए टी एच ई, एम ए टी आई सी और एस. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. आपने नीचे दिए गए सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. और पहला है, बी इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30. तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 36. डी इज इक्वल टू आर ई एस टी. तो ये रेस्ट की स्पेलिंग है, तो आप लिख लें डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड रेस्ट. पार्ट सी है, इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20. तो इसमें आप देखें ये 5 का टेबल है, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं, तो आप लिख लें सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 25. क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी और सिंगलटन सेट. तो पहला है, द सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई. आसमान पर मौजूद जो सितारे हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट है. बी आपको दिया गया, द सेट ऑफ प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 8. ऐसा मल्टीपल 8 का जो कि प्राइम हो, तो क्योंकि 8 जो है वो इवन नंबर है और ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं होगा जो कि प्राइम होगा, तो ये एम्प्टी सेट है. पार्ट सी है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स. क्योंकि इसमें आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ तक लिखने हैं. पार्ट डी है, द सेट ऑफ योर फ्रेंड्स. तो आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. पार्ट ई है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर एच सी एफ 102 एंड 215. आपने एच सी एफ निकाल लेना 102 और 215 का, तो इसका एच सी एफ 1 आएगा सिर्फ, और 1 जो है वो सिंगलटन सेट में आएगा क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है 1. नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द इक्वल सेट्स. इनमें से कौन सा इक्वल सेट है? पार्ट ए चेक करें, 257 और 572, तो ये इक्वल सेट है. पार्ट बी चेक करें, पी ई एन एन ओ पी क्यू, तो इसमें तादाद ही नहीं सेम, तो ये नॉट इक्वल है.
पार्ट सी है, वी इज इक्वल टू 1, 3, 6, 9, 12, जबकि डब्ल्यू है वो 6, 7, 2 है, तो इसमें भी तादाद सेम नहीं है, तो ये भी नॉट इक्वल है। पार्ट डी है, डी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और पार्ट ई है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ही होता है, तो ये इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग सेट्स। फॉर ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड बी इज इक्वल टू 3, 5, 7। पार्ट वन है, इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी के तमाम एलिमेंट्स ए में पाए जा रहे हैं, तो ये येस है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स 3, 5, 7 इसमें हैं। पार्ट टू है, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में पाए जा रहे हैं, नो। पार्ट थ्री है, इज ए द सुपरसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सुपरसेट है। सुपरसेट करते हैं, सुपरसेट हम बड़े सेट के लिए लिखते हैं, तो क्या बी के तमाम एलिमेंट्स ए में पाए जा रहे हैं, तो 3, 5, 7 इसमें है और ए जो है उससे बड़ा सेट है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 9 भी मौजूद है जो कि बी में नहीं है, इसलिए ए जो है वो बी का सुपरसेट है, तो इसका आंसर यस है। फोर है, इज बी अ सुपरसेट ऑफ ए, क्या बी जो है वो ए का सुपरसेट है, नहीं, बी जो है वो ए का सबसेट जरूर है लेकिन सुपरसेट नहीं है। फाइव पार्ट है, इज ए इज इक्वल टू बी, क्या ए जो है वो बी के बराबर है, नो, क्योंकि ए के एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा हैं बी से। इज ए इक्विवेलेंट टू बी, क्या ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट है, तो इसका भी जवाब नो है। पार्ट सेवन है, इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें पाए जाए, तो नो इसका जवाब आ जाएगा। इज बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या बी के तमाम एलिमेंट्स ए में पाए जा रहे हैं, जी पाए जा रहे हैं, तो ये इसका आंसर यस है। पार्ट बी है, पी इज इक्वल टू ट्राइंगल की स्पेलिंग है और क्यू जो है उसमें आपके पास कंप्यूटर की स्पेलिंग है, तो पहला पार्ट है, इज पी अ सबसेट ऑफ क्यू, क्या पी के एलिमेंट्स क्यू में मौजूद हैं, तो ये नो है जवाब क्योंकि नहीं मौजूद। इज पी इक्वल टू क्यू, क्या पी और क्यू बराबर है, तो आप काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें भी 8 एलिमेंट्स है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स है, लेकिन इक्वल के लिए दूसरी शर्त ये है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। लास्ट है, इज पी इक्विवेलेंट टू क्यू, क्या पी जो है वो क्यू के इक्विवेलेंट है, तो यस है, उसके लिए हमने अभी काउंट किए एलिमेंट्स की तादाद, सिर्फ आपने एलिमेंट्स की तादाद काउंट करनी है, अगर वो सेम है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर वन जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है सेट्स का। चैप्टर नंबर टू होल नंबर्स के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।